कैबिनेट के सभी सम्मानित मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और मंत्रियों के द्वारा खुलकर संवाद हुआ। जो पांच मूल रूप से विषय थे, कोरोना की एक लंबी लड़ाई के बाद में सभी सम्मानित मंत्रीगणों के द्वारा मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त किया गया, धन्यवाद दिया गया और मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों को भी अपने अपने प्रभार के जिले में, विधायकों को भी, क्राइसिस मैनेजमेंट जो हमारा था जिले से लेकर पंचायत, उन सबको आभार। काफी लंबी चर्चा जो WHO अथवा अलग अलग आप सबके द्वारा व्यक्त तीसरी लहर की जाती है अनेक अनेक माध्यमों से, उसकी तैयारी की भी समीक्षा हुई, विस्तार से उस पर समीक्षा की गई। बच्चों के बारे में, घर के बारे में, सरकार की तैयारी के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, वेंटिलेटर के बारे में, हर विषय पर बिंदु से बात हुई और एक निश्चिंतता का भाव आप सबके माध्यम से जनता तक भी जाना चाहिए कि तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से सरकार सजग है और तैयार है। प्रतिदिन 70,000 से 80,000 टेस्ट मध्य प्रदेश में होंगे। कहीं से भी अगर सिर उठाने की कोरोना कोशिश करेगा तो उसके फन को वहीं कुचलने की तैयारी इस बार हम रखेंगे। आज कोरोना के कारण जो रेवेन्यू लॉसेज हुए, उस रेवेन्यू लॉसेज के लिए भी कैसे पुनः पटरी पर लाकर तेज गति से हम विकास की रफ्तार को दौड़ाए, उसके लिए भी एक समिति बनाइए जो मैं भी पढ़ूंगा सम्मानित मंत्रीगणों की। और ये सभी समितियों में मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन में ही बैठक करने का कहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जैसा आप सबको मालूम है और उसकी व्यापकता, उसमें अनेक विषय, उसकी भी समिति है जो मैं भी आपके सामने पढ़ूंगा। इसी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारा प्रशासकीय विषय भी रहता है, महिलाओं के उत्थान से समिति और आने वाले दिनों में जो थर्ड की वेव की बात है उसके बारे में भी समिति बनाई। आज विस्तार से ये भी बात हुई कि हम जितनी ज्यादा विकास की रफ्तार, चाहे वो अटल एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो नर्मदा एक्सप्रेस वे हो, इन सबके काम को तेजी से गति के द्वारा हम प्रारंभ करें। आज राजस्व अर्जन की जो समिति है उसमें जगदीश देवड़ा जी, विजय शाह जी, गोविंद राजपूत जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, राजवर्धन जी और ओपीएस भदौरिया जी सरावट जी, श्री कमल पटेल जी, श्री गोविंद राजपूत जी, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, श्री प्रेम सिंह पटेल जी, अरविंद भदौरिया जी, भारत सिंह कुशवा जी, रामकिशोर कावरे जी, अधोसंरचना विकास समूह जो बना है उसमें गोपाल भार्गव जी, तुलसी सलावट जी, भूपेन्द्र सिंह जी, आदरणीय महेंद्र सिसोदिया जी, प्रद्युम्न तोमर जी, हरदीप सिंह डंग जी, भारत सिंह कुशवा जी और ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, ये मंत्री इसमें बनाए गए हैं। आज सीएम राइजर स्कूल के बारे में भी चर्चा हुई है और उसमें ये तय किया है कि कोई भी भ्रम इसमें भी न फैले,
कि फलाना स्कूल बंद होगा तब सीएम गाजर स्कूल खुलेगा, जब फलाना स्कूल बंद कोई सब यथावत चलेंगे, ये नया कंसेप्ट होगा जो देहात में खोला जाएगा। एक शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा अभियान चलाने के लिए पार्टी जा रही है। ये 1-2-3 जुलाई को ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा। इसमें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1-2-3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित सांसद, एक दो तीन जुलाई वाले में सभी सम्मानित सांसदगण, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण इस अभियान को चलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अलग अलग स्थानों पर जनजाति इलाकों में इस अभियान की 1-2-3 जुलाई जिन लोगों ने वैक्सीन के प्रति भ्रम फैला दिया है अथवा फैल गया है और लोगों को प्रेरित करेंगे, पर्याप्त मात्रा में तब तक वैक्सीन भी होगी। और आप सबसे भी मेरा अनुरोध है इस अभियान को चलाने में आप सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। एक अन्य विषय में आज तय किया है कि जो हमारे दिवंगत इसमें बच्चे के फादर मदर हो गए थे अथवा सास की सेवा में काम करने वाले वो किसी भी स्तर के हों, चाहे नगर निगम के, नगर पालिका के संविदा पे हों, वो उसी रैंक की भर्ती उनकी की जाएगी और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण स्वयं अनुकंपा नियुक्ति का तत्काल नियुक्ति का पत्र देने के लिए स्वयं जाएंगे।